जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे खास माना जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल दिन मंगलवार से हो रही है। 17 अप्रैल को महानवमी रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा और 16 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माता रानी का पूजन करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ अपनी भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन नव दुर्गा माँ भगवान श्री गणेश और समस्त देवी देवताओं को अपने घर आमंत्रित करने के लिए घट की स्थापना की जाती है। फिर माता की चौकी स्थापित की जाती है, जौ बोए जाते हैं और अखंड जोत जलाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना, माता की चौकी की स्थापना की पौराणिक सही सरल विधि बताएंगे, साथ ही इनके नियम भी बताएंगे। आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान माता रानी का पूजन रोजाना किस तरह करना चाहिए, जिससे हमें नवरात्रि व्रत पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप भी चाहते हैं माता रानी आपके घर में सभी देवी देवताओं के साथ आपके घर में वास करे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि के पहले एक तिहाई हिस्से में कर लेनी चाहिए। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में भगवान रुद्र, मूल में ब्रह्मा जी तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। घट के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसे भगवान श्री गणेश का रूप माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियां का में आह्वान करके उन्हें कलश में स्थापित किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगे नष्ट हो जाती है तथा घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। घट में 9 दिनों तक समस्त देवी देवताओं के साथ साथ भगवान श्री गणेश, नवग्रह और नव दुर्गा माँ विराजमान रहती है। नवरात्रि में घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, तभी नवरात्रि व्रत पूजन पूर्ण होते हैं। घट स्थापन शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल सुबह 06:02 से सुबह 10:16 तक, कुल अवधि 04:14। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त 9 अप्रैल सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। घट स्थापना आप इन्हीं शुभ मुहूर्त में करें। घर स्थापना से पहले हम आपको बताते हैं कि घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, जिससे आप सभी वह सामग्री नवरात्रि से पहले ही ले आए। घट स्थापना की आवश्यक सामग्री है जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र, यह बेदी कहलाता है। मिट्टी का पात्र आपको ऐसा देना है जैसे पात्र में हम आटा मलते हैं, जिसे परात कहते हैं, यानी कि चपटा पात्र लेना है। जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, मिट्टी में कंकर पत्थर ना हो। आप मिट्टी को हाथों से साफ कर ले या मोटी छलनी से छान पी सकते हैं। पात्र में बोने के लिए जौ ना मिले तो आप गेहूं भी ले सकते हैं। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी का कलश, मिट्टी का ना हो तो आप सोना चांदी या तांबे का कलश ले सकते हैं। ध्यान रखें इसके लिए आप स्टील का कलश ना लें। कलश में के लिए शुद्ध जल और गंगाजल ना हो तो किसी भी तीर्थ का आप जल ले सकते हैं। ट्रोली मोली इत्र व पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, दूरवा कलश में रखने के लिए सिक्का, इसके लिए आप चांदी या सोने का सिक्का ले सकते हैं। चांदी या सोने का सिक्का ना हो तो आप साधा 1 रुपये का 5 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। पंचरत्न अगर न हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सिक्का ले लें। पंचरत्न अगर ले तो हीरा नीलम पन्ना माणिक और मोती लें। अब आप अशोक या आम के 5 पत्ते लें। कलश ढकने के लिए मिट्टी या तांबे का ढक्कन ले। ढक्कन में रखने के लिए और पूजा के लिए साबुत चावल, 1 पानी वाला जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, फल तथा मिठाई, धूप, लोग जोड़ा, कपूर और घी, माता रानी के श्रृंगार के लिए लाल चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, मेहंदी, काजल, चोटी, गले के लिए माला या मंगल सूत्र, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, चोटी में लगाने वाला रिबन या रबर, कान की बाली, लाल चुनरी या साड़ी, आप अपनी इच्छा के अनुसार माता रानी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री ला सकते हैं। साबुत हल्दी की गांठ, लकड़ी का पट्टा यानी की चौकी। दोस्तों, सामग्री के बाद आइए अब जानते हैं कि घट स्थापना, माता रानी की चौकी की स्थापना और ज्वारे बोने की सही और पौराणिक विधि क्या है। चौकी की स्थापना, घट स्थापना के लिए आप नवरात्र के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
अब अपने मंदिर के पास उत्तर पूर्वी दिशा को साफ करें और वहां गंगा जल कर छिड़काव करें। अब एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर आप लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। अब माता रानी की प्रतिमा को स्नान कराएं और स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाएं और एक लाल रंग की चुनरी उड़ाएं और चौकी पर स्थापित करें। अगर माता रानी की प्रतिमा ना हो तो तस्वीर को साफ कपड़े से पहुंचकर लाल चुनरी उड़ाकर आप चौकी पर स्थापित करें। अब आप साबुत चावलों में सूखी हल्दी मिलाकर उन्हें पीले रंग का कर लें। इसके बाद जौ बोने के पात्र को पानी से धोकर साफ करने, फिर कुमकुम से आप जौ बोने के पात्र पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद माता रानी के दाहिने यानी की राइट हैंड की तरफ आप जमीन पर एक मुट्ठी चावल रखकर उसके ऊपर इस पात्र को रख दें। आप इसमें साफ की हुई मिट्टी डालें और पानी में भिगोए हुए जौ डालें और फिर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। ध्यान रखें आप इसके लिए अंकुरित जौ ना लें। अब कलश स्थापित करने के लिए आप एक साफ कलश लें, उसमें शुद्ध जल भरें। अब आप इस कलश के गले पर 3 बार कलावा लपेटें और 1 गांठ लगाएं। कलावा आपको क्लॉक वाइज लपेटना है और जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। इसके बाद कलश पर 2 तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक के चिन्ह के दोनों तरफ आप एक एक त्रिशूल का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक और त्रिशूल का चिन्ह आपको रोली से बनाना है। इसके बाद माता रानी के लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ की तरफ चौकी पर आप हल्दी से पीले किए हुए चावल से एक अष्टतल कमल बनाएं। कमल के बीचों बीच आप इस कलश को स्थापित करें। इसके बाद कलश में 8 सामग्री डालें। सभी सामग्रियों को पहले पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर सभी सामग्री जैसे दुर्बा, साबुत सुपारी, सिक्का, साबुत हल्दी की गांठ, पंचरत्न आप कलश में डाल दें, फिर थोड़े से चावल, 1 चुटकी हल्दी और इत्र डालें। इसके बाद आप आम या अशोक के 5 पत्तों को पानी से धोकर साफ कर लें। अब इन पत्तों को आप कलश में रखते हैं। आपको पत्ते कलश में इस तरह रखते हैं कि पत्तों की डंडी कलश के अंदर पानी में डूबी रहे और पत्ते बाहर की तरफ रहे। आप कलश के ऊपर आप मिट्टी का या तांबे का एक ढक्कन ढक दें। ढक्कन के ऊपर आप हल्दी सी पीले की हुई चावल रख दें। इसके बाद पानी वाला जटा वाला नारियल ने उसे पानी से धोकर साफ कर ले। अब नारियल को साफ लाल रंग के कपड़े में पूरी तरह से लपेट दे। इसके बाद नारियल के ऊपर आप 3 बार कलावा यानी कि मौली लपेटे और 1 गांठ लगाएं। इसके बाद नारियल को चुंडी उड़ाएं और नारियल पर कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद नारियल को आप कलश के ऊपर लिटाकर रखें। नारियल का गोल साइड आप अपनी तरफ करें और नुकीली साइड दूसरी तरफ करें। इस तरह कलश स्थापना संपूर्ण हो। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, नव दुर्गा माँ को प्रणाम करें, समस्त देवी देवताओं और नवग्रहों को प्रणाम करें और भगवान श्री गणेश के साथ नव दुर्गा माँ और समस्त देवी देवता नवग्रहों से आप आग्रह करें कि वह 9 दिन तक इस कलश में वास करें। अब आप कलश में विराजमान समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। कलश के सामने 1 शुद्ध घी का दीपक जलाए, 1 सुगंधित धूप बत्ती जलाए, हाथ में अक्षत और पुष्प ले और कलश पर अर्पित करें। इसके बाद कलश में विराजमान सभी देवी देवताओं को आप मिष्ठान और फल का भोग लगाएं। फिर आप माता रानी का पूजन करें। माता रानी के सामने 1 अलग से शुद्ध घी का दिया जलाएं और 1 सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। माता रानी को भी पुष्प और अक्षत अर्पित करें और फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद समस्त श्रृंगार की सामग्री को आप 1 थाल में रखते हैं और कलश के सामने ढककर माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब आप 1 गाय के गोबर के उपले का टुकड़ा लें, उसे गैस पर रखकर सुलगा लें। अब इसे हवन कुंड या किसी प्लेट में रखें। इसके ऊपर आप शुद्ध घी डालें और थोड़ा सा कपूर रखें। अब आप नवरात्र में अगर 9 दिन के व्रत रख रहे हैं या जोड़े में व्रत रख रहे हैं उनका संकल्प लें। 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तो 9 लोग के जोड़े लें। अगर जोड़े में व्रत रख रहे हैं तो 2 लोग के जोड़े लें। और आप व्रत नहीं रख रहे केवल पूजन कर रहे हैं तो आप 1 लोग का जोड़ा लें। ध्यान रखें आपको फूल वाली साबुत लौंग लेने हैं। अब आप सुलगते हुए उपले पर कपूर को जलाएं, लौंग को आप घी में भिगोएं। माता रानी के मंत्र का जाप करते हुए आप लौंग को कपूर पर चढ़ा दें। आप जितने भी जोड़े आपको चढ़ाने हैं ऐसे ही जोड़े चढ़ाते रहे हैं। इसके बाद आप हवन सामग्री चढ़ाएं और 1 बताशा भी चाय, फिर उपले पर कुमकुम से तिलक करें। फिर हवन कुंड के चारों तरफ जल छिड़के। लोग के जोड़े हवन सामग्री बताशा चाहते समय माता रानी के मंत्रों का जाप करें।
आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में वर्णित मंत्र का या फिर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करें। इस तरह पूजन करके भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। भगवान श्री गणेश की आरती करें, फिर यथाशक्ति माता रानी की आरती करें, दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का, दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, माता दुर्गा की आरती करें। दोस्तों, इस तरह कलश स्थापना चौकी स्थापना की विधि संपूर्ण हुई। दोस्तों, कलश स्थापना के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो आप 9 दिनों तक घर को खाली छोड़कर ना जाए। घर का कोई ना कोई सदस्य घर में अवश्य ही रहने चाहिए। कलश और चौकी की स्थापना के बाद आप रोजाना दोनों समय सुबह और संध्या काल के समय सबसे पहले कलश में स्थापित समस्त देवी देवताओं नव दुर्गा माँ भगवान श्री गणेश और नवग्रह का पूजन करें। पहले कलश के सामने आप दिया जलाए और भोग लगाए। इसके बाद माता रानी के सामने दिया जलाए और भोग लगाए और माता रानी का पूजन करें। आपने अगर कलश स्थापना की है और आपने व्रत नहीं भी रखे हैं तब भी आप 9 दिनों तक मांसाहार का या प्याज लहसुन का सेवन न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप अखंड ज्योत चलाना चाहते हैं तो कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत जलाएं और अखंड ज्योत को आप माता रानी के बाएं हाथ की तरफ यानी कि कलश की तरफ रखें। 9 दिनों तक माता रानी के श्रृंगार की सामग्री आप ऐसे ही रखी रहने दें। 9 दिनों तक आप घट को खोलकर ना देखें और माता रानी की पूजा करते समय आप चमड़े की बेल्ट या पस वगैरह कुछ भी अपने पास ना रखें। स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और ज्वारों में थोड़ा थोड़ा रोज पानी डालते रहें। नवरात्र में इस विधि से घट स्थापना और चौकी की स्थापना हवन करने से जौ बोने से माता रानी की कृपा से नवरात्र में किए व्रत पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और शांति का वास रहता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।